हे एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें मैं आपको ये कॉलर की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। ये कॉलर आप सूट के साथ या ब्लाउज़ के साथ, अदरवाइज किसी भी क्रॉप टॉप या किसी के भी साथ पेयर करेंगे ना, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक देगा आपका ड्रेसअप। सो उसके लिए मैंने यहाँ पर इस टाइप से फैब्रिक लिया हुआ है। ये मैंने जॉर्जेट का, या आप इस टाइप का फैब्रिक ले जो कि मतलब खसके नहीं और फिनिशिंग से उसका लुक आए। सो मैंने यहाँ पर इस टाइप से कॉटन में शाइन वाला फैब्रिक लिया हुआ है। एंड देन इसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पर 23 डबल फोल्ड में, और मतलब एक्यूरेट लेंथ इसकी आएगी 46। और इसकी विथ ली है मैंने यहाँ पर, चौड़ाई ली है 10 इंचेस, चौड़ाई मैंने 10 इंचेस ली और लंबाई मैंने इस कपड़े की 46 ली है। ये इस फैब्रिक में इजीली, बहुत ही इजीली बन जाएगी ये कॉलर। सो अब मैं यहाँ पर 3.5 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। एक में मार्क 3.5 इंचेस पर मार्क लगा रहे हैं हम नीचे की साइड से, और इसको हम पूरी लेंथ में स्ट्रेटली ड्रॉ कर लेंगे। सो मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने एक मार्क 3.5 इंचेस पर लगाया। अब 1 इंच ज़्यादा हम ऊपर वाले साइड लेंगे और यहाँ पर मैं 4.5 इंचेस पर मार्क लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया। नीचे वाली कॉलर हमारी सेंटर वाली रहेगी और ये हमारी ऊपर की साइड लगेगी। तो मैंने इसकी लेंथ 4.5 इंचेस ली और नीचे वाली की 3.5 इंचेस ली है। देन अब इनको हम कट कर लेंगे। सो जो हमने दोनों मार्क लगाए हैं ना, 3.5 इंचेस पर वाला मार्क भी कट कर लेंगे और 4.5 इंचेस वाला भी कट कर लेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कट कर लेते हैं पहले ये दोनों मार्क को। ये हमारी फ्रिल वाली कॉलर रहेगी, बहुत ही यूनिक लगेगी आपके ड्रेसअप के साथ। आप साड़ी के साथ, ब्लाउज के साथ, किसी के साथ भी पेयर करेंगे ना, प्रिंटेड या सिंथेटिक साड़ी या बिल्कुल प्लेन साड़ी के साथ अगर ये कॉलर लगा के आप ब्लाउज पेयर करेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक देगा। सूट के साथ भी पेयर कर सकते हैं। सो देन मैंने यहाँ पर दोनों फैब्रिक को कट कर लिया है। देन कट करने के बाद अब इसमें हम लाइनिंग वाला फैब्रिक भी यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें से धागे निकल सकते हैं फैब्रिक में से। सो हम यहाँ पर लाइनिंग वाला फैब्रिक लगाएंगे। सो सेम इसी के अकॉर्डिंग दो मैंने फैब्रिक कट कर लिए, सेम लेंथ और सेम विथ में। सो ये हमारा इस विथ का लेंथ का कपड़ा कट किया है मैंने। सो लाइनिंग वाले फैब्रिक के साथ इसको अटैच कर लेंगे उल्टी साइड से, पूरे में अटैच कर लेंगे। बस थोड़ी सी गेप रखेंगे, थोड़ी सी गेप रखेंगे, बाकी पूरे में इस टाइप से जो जितना भी हमारा 46 लेंथ का फैब्रिक है पूरे को अटैच कर लेते हैं। थोड़ी सी गेप हम कहीं पर भी रख सकते हैं। सो आप देख सकते हैं मैंने पूरी साइड से अटैच कर लिया है। बस मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गैपिंग रखी है दोनों फैब्रिक में। यहाँ पर हम कॉलर की साइड पे अटैच कर लेंगे और ये इस टाइप से थोड़ी सी गैपिंग रखेंगे। मैंने, आप देख सकते हैं, दोनों फैब्रिक में थोड़ी थोड़ी सी गैपिंग रखी है, सेंटर में रखी है, बिल्कुल कॉर्नर पर नहीं रखी है। सेंटर में आप कहीं पर भी गैपिंग रख सकते हैं ऊपर या नीचे की साइड से, क्योंकि हम ये फैब्रिक को इसमें से निकालेंगे ना। सो इसके लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर सिलाई लगाई है। सो अब यहाँ पर हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे ताकि पलटने में इजी रहेगा। अगर आप कट पूरी कॉलर में नहीं भी लगाते हैं ना, पर आपको कॉलर के कॉर्नर पे कट लगाना ही रहेगा, क्योंकि हमारे कॉर्नर अच्छे से पलट नहीं पाएंगे अगर हम कट नहीं लगाते हैं तो। सो आप पूरी कॉलर में कट नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन आप कॉर्नर पर कट लगाना ही ज़रूरी है। सो यहाँ पर मैं कॉर्नर पर कट लगा लेती हूँ और मैंने थोड़े बहुत सेंटर में भी कट लगाए हैं। सो अब यहाँ से जो हमने गैपिंग छोड़ी थी वहाँ से इस टाइप से हम यहाँ पर फैब्रिक को अंदर की साइड से पूरा बाहर निकाल लेंगे, दोनों साइड से, इधर का साइड का इधर से और इधर का साइड का इधर से निकाल लेंगे। सो ये कुछ इस टाइप से मैं फैब्रिक को निकाल लेती हूँ, तो ये हमारी सिलाई अंदर की साइड चला जाएगी और हमारा बाहर बिना सिलाई का फैब्रिक आ जाएगा, आप देख सकते हैं। सो सेम यही प्रोसीजर से मैंने दोनों फैब्रिक को कर लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर आयरन कर दिया है ताकि यहाँ पर सलसल नहीं दिखेंगे और ये हमारा फैब्रिक दब जाएगा। और ये आप देख सकते हैं मेरा जो खुला वाला पोर्शन था वो भी अंदर की साइड दब गया है, बाहर दिख नहीं रहा है, ना ही धागे दिख रहे हैं। मैंने अंदर की साइड इसको भी दबा दिया है और आयरन कर दिया है। सो आयरन करने से आपका लुक फैब्रिक का अच्छा आएगा। सो यहाँ पर अब हमारी जो लेंथ एक्यूरेट 9 सेंटीमीटर आ रही है। सो अब 9 सेंटीमीटर का आधा लेंगे हम। सो यहाँ पर मैं 4.5 सेंटीमीटर पर मार्क कर रही हूँ। 4.5 सेंटीमीटर पे मैंने मार्क करा है ये कुछ इस टाइप से। एंड देन इसके बाद जो हमारे छोटी पट्टी थी वो भी हम सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं। सो यहाँ पर आ रहा है हमारा एक्यूरेट आ रहा है 6.5 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ पर लगभग 3.2 पर मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ, सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में ही मार्क करेंगे गाइस। सो यहाँ पर ये हमारी सिलाई के लिए रहेगा, तो मैंने यहाँ पर सिलाई के लिए मार्क कर लिया है। अब इसमें हम छोटी छोटी सी बिल्कुल 1.5 इंचेस की प्लेट्स लगाएंगे। सो वो कैसे लगाएंगे, सो ये पहले हम इस टाइप से
जो का हमारा फैब्रिक छूटा हुआ था वहाँ पर हम हल्की सी सिलाई से उसको दबा लेंगे ताकि हमारी धागे बाहर नहीं आए। और इस कुछ इस टाइप से जो हमारी है सेंटर में हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर इस टाइप से मेज़र कर लेंगे। अब हमारा गला मेज़र कर लेते हैं कि गले की गोलाई कितनी आ रही है। तो मेरी यहाँ गले की गोलाई आ रही है 13.5 इंच, तो मैं आधा इंच थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ। और मैंने यहाँ पर गोलाई मेजर की है 13.5 इंच आ रही है, तो मैंने यहाँ 14 ली। और हमारी पट्टी की एक्यूरेट लेंथ आ रही है 43 रेडी होने के बाद। सो हमें इतनी लेना है इसकी प्लेट्स कि हमारी एक्यूरेट रेडी प्लेट रेडी हमारी कॉलर रहेगी 14 इंचेस की। इतनी प्लेट्स लगानी है, तो हम पाव पाव इंचेस की प्लेट्स लगाएंगे। बहुत फिनिशिंग से लगाएंगे ना तो उसका लुक अच्छा आएगा। आप चाहे तो पहले कच्चा भी कर सकते हो, उसके बाद भी डायरेक्टली सिलाई भी लगा सकते हैं, या फिर आप इस टाइप से प्लेट्स धीरे धीरे लगाते हुए सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल सेंटर में इजीली रहेगा गाइस। ये कुछ इस टाइप से एक प्लेट लगाने के बाद दूसरी, दूसरी के बाद ऐसे इस टाइप से पूरी प्लेट्स लगा लेंगे। दोनों पट्टी में एक जैसे की प्लेट्स लगाएंगे। और ये कुछ इस टाइप से मैं लगा रही हूँ, एक भी साइड पट्टी अगर हम प्लेट लगा रहे हैं तो दोनों सभी साइड उधर की साइड ही जाना चाहिए, या तो रोंग साइड में या राइट साइड में। अलग अलग तरीके से प्लेट नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल सीधी तरीके से लगनी चाहिए। सो ये इस टाइप से लगा लेंगे ऑल ओवर प्लेट्स को। मैं आपको लगा कर भी दिखाती हूँ तो कैसे लगाते हैं। सो ये हम यहाँ पर देखो, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो जितना हम यहाँ पर ले रहे हैं इतना ही हम दूसरी प्लेट में भी लेंगे। और सेम ऐसे ही हम पूरी कॉलर रेडी कर लेंगे। हमें रेडी कॉलर लगभग 14 इंचेस की ही चाहिए है, 13.5 से 14 इंच की। सो ये इस टाइप से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से गेजिंग मैं यहाँ पर प्लेट्स लगा लूँगी पाव पाव इंचेस की। और ये हमारी पट्टी रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं दोनों मैंने एक साथ रेडी कर ली। बट इसमें हम यहाँ पर आयरन कर देंगे तो ये इस टाइप से नहीं दिखेगा, ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर डबल फैब्रिक लिया तो वो थोड़ा सा मोटा हो गया। बट इसका लुक अच्छा आएगा क्योंकि हमें यहाँ पर रुए भी नहीं निकलेंगे। एंड देन आप देख सकते हैं आयरन करने के बाद ये बहुत ही फिनिशिंग से लुक दे रहा है। सो आप आयरन कर लेंगे ना तो आपको फिनिशिंग से सिलाई में भी इजी रहेगा। एंड देख ये हमारा बैक साइड है, जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक का बैक साइड है, और वो हमारा ये हमारा फ्रंट साइड है गया। सो ये फ्रंट साइड एंड बैक साइड आप देख सकते हैं दोनों, हमने यहाँ पर कितने अच्छे से हमारी प्लेट्स लग गई है, बिल्कुल छोटी छोटी सी प्लेट्स लगाई है। और ये हमारी रेडी कॉलर हो गई है 14 इंचेस की। जितना भी हमारा गले का मेजरमेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर कॉलर रेडी करेंगे। एंड देन जो हमारी सिलाई से सिलाई मिलाते हुए और प्लेट्स से भी प्लेट्स मिलाते हुए, दोनों प्लेट्स की साइड एक ही होनी चाहिए, या तो राइट या रॉन्ग। सो इस टाइप से यहाँ पर देख सकते हैं आप, दोनों प्लेट्स मेरी एक साइड है। अब इस सिलाई पर ही सिलाई लगा लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे। सो यहाँ पर दोनों को टक कर लेंगे, दोनों को बराबरी से मिलाते हुए। आप चाहे तो यहाँ पर आप डोरी घर पर भी बना सकते हैं, या रेडीमेड डोरी का भी यूज़ कर सकते हैं, या आप रिबिन टाइप से भी ये कुछ इस टाइप से रिबिन भी लगा सकते हैं यहाँ पर कॉलर में गांठ बांधने के लिए। अगर आप रेडीमेड डोरी का यूज़ करते हैं तो वो पूरी कॉलर में लगाइए, और अगर आप रिबिन का यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पर कॉलर के कॉर्नर से लगाएंगे। सो मैं यहाँ पर डोरी लगा रही हूँ ना, तो यहाँ पर मैं पूरी गोलाई में डोरी लगा रही हूँ। एंड देन ये हमारी इस टाइप से कॉलर रेडी हो गई है। आपको गैस ये आप किसी के साथ भी पेयर करेंगे ना तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक देगी, आप देख सकते हैं। गैस अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आती रहे और आप चैनल से जुड़े रहिएगा। गैस आपको सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज़ आपको यहाँ पर अपडेट्स मिलती रहेगी। सो थैंक यू गैस, बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।